नमस्कार, मैं हूँ गीतिका पांडे और आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश का नंबर वन न्यूज चैनल क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की सभी शाम तक की मुख्य खबरें फटाफट अंदाज में। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया 12 को गुना में लाडली बहना कार्यक्रम में होंगे शामिल। केंद्रीय दूरसंचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया 12 अगस्त सोमवार को गुना जिले के दौरे पर रहेंगे। यहां वे विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होंगी। इसके अलावा प्रशासन के साथ बैठक भी करेंगे। उनके कार्यक्रम की शुरुआत सर्किट हाउस में जनसंपर्क से होगी। एमबी सरकार हॉकी प्लेयर विवेक सागर को देगी 1 करोड़ रूपये। पेरिस ओलंपिक में भारत ने स्पेन को 2-1 से मैच हराकर ब्रॉन्ज मेडल पर कब्जा किया। मध्य प्रदेश के इटारसी से सटे चांदौन गांव के रहने वाले विवेक सागर प्रसाद भारतीय हॉकी टीम का हिस्सा हैं। टीम के ब्रॉन्ज मेडल जीतने पर मध्य प्रदेश सरकार विवेक को 1 करोड़ का इनाम देगी। महिला सरपंच सम्मेलन में बोले सीएम मोहन, बहनों को उनके अधिकार देने का काम कर रही सरकार। राजधानी में श्यामला हिल्स पर स्थित मुख्यमंत्री आवास में शुक्रवार को महिला सरपंचों का सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। इस सम्मेलन में प्रदेश भर की महिला सरपंचों को बुलाया गया। रक्षाबंधन पर्व के उपलक्ष्य में ये आयोजन किया जा रहा है। इंदौर के करीब 38 गांव से होकर निकलेगा पूर्वी रिंग रोड, डकाचिया से लेकर पीथमपुर के बीच बनेगा। सिंगस से पहले उज्जैन से जुड़ने वाली सड़कों का निर्माण पूरा होना है, जिसमें आउटर पूर्वी रिंग रोड अहम है। डकाचिया से लेकर पीथमपुर के बीच बनने वाली सड़क को जल्द ही प्रक्रिया शुरू की जाएगी। पीएम मोदी ने की हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत। राष्ट्रीय पर्व स्वतंत्रता दिवस पर आने ही वाला है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज से हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत कर दी। उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर अपनी प्रोफाइल फोटो के स्थान पर हमारे राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे की तस्वीर लगा दी है। इसी के साथ सबसे अपील की है कि एक बार फिर इसे जन आंदोलन का रूप दें और तिरंगे के साथ अपनी सेल्फी अपलोड करें। शनिवार को 1.29 करोड़ लाडली बहनों को मिलेगा बड़ा गिफ्ट। मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना की 1.29 करोड़ लाभार्थी बहनों के लिए खुशखबरी है। शनिवार 10 अगस्त को लाडली बहनों के खाते में 1250 रूपये के अतिरिक्त रक्षाबंधन के स्वरूप 250 रूपये भेजे जाएंगे। यानी इस बार अगस्त में लाडली बहनों के खाते में कुल 1500 रूपए आएंगी। कर्मचारी पेंशनर्स को रक्षाबंधन के बाद मिलेगी गुड न्यूज, बढ़ेगा 3% महंगाई भत्ता। देश के 1 करोड़ से अधिक केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए खुशखबरी है। रक्षाबंधन के बाद कर्मचारियों के महंगाई भत्ते और पेंशनर्स की महंगाई राहत में वृद्धि होने वाली है। जुलाई 2024 से एक बार फिर से DADR में 3% की वृद्धि की संभावना है। अगले 48 घंटे में फिर बदलेगा एमपी का वेदर। आज 4 संभागों में तेज बारिश, बिजली और मेघ गर्जन का अलर्ट। मध्य प्रदेश में आज शुक्रवार से फिर मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा। आज ग्वालियर, रीवा, जबलपुर, शहडोल, सागर संभाग के जिलों में मध्यम से भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई। खासकर के 6 जिलों में तेज भारी बारिश होने के चलते ऑरेंज और 24 में येलो अलर्ट जारी किया गया है। मोहन सरकार को बड़ा झटका, हाईकोर्ट ने आंगनबाड़ियों की भोजन व्यवस्था पर लगाई रोक। मध्य प्रदेश सरकार को ग्वालियर हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। दरअसल प्रदेश के आंगनबाड़ी केंद्रों में भोजन वितरण का काम स्व सहायता समूहों से छीनकर सहायिकाओं से कराने का निर्णय लिया गया था, जिस पर कोर्ट ने स्टे लगा दिया है। ये पायलट प्रोजेक्ट के रूप में प्रदेश के 15 जिलों में 15 अगस्त से लागू होना था। इमरती देवी पर दिए विवादित बयान के मामले में जीतू पटवारी को झटका, हाईकोर्ट ने खारिज की याचिका। मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी को जबलपुर हाईकोर्ट से झटका लगा। भाजपा नेत्री इमरती देवी पर की गई विवादित टिप्पणी के मामले में डबरा जिले में दर्ज आपराधिक केस की सुनवाई MP MLA विशेष कोर्ट के द्वारा की जाएगी। तो ये थी शाम तक की मुख्य खबरें। रोजाना ऐसे ही मध्य प्रदेश से अपडेट रहने के लिए क्लीन न्यूज MP को अभी सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।